डॉक्टर साहब जी, यहाँ वहां क्या देख रहे हैं आप? यहाँ एक रिसेप्शनिस्ट हुआ करती थी, वो दिखाई नहीं दे रही है। आपको कुछ काम था उनसे? मैं उनसे मिलने आया था। वो बहुत खूबसूरत दिखती हैं, आपको पता है? वो अभी बिजी हैं। ओ अच्छा, कभी आएंगी वैसे? कौन? रिसेप्शनिस्ट? रिश्ता करवा दूं मैं? अरे नहीं, इतनी जल्दी कैसे, हम कल ही तो मिले हैं। तो फिर क्या, यहां क्यों? ओ अच्छा, मैं एक्चुअली डॉक्टर साहब से मिलने आया था। आप डॉक्टर साहब को बुला दीजिए। आवाज लगाओ। डॉक्टर साहब। जी कहिए। अच्छा आप ही हैं? सॉरी। जी अच्छा डॉक्टर साहब, आपको डीएनए पता है? डीएनए क्या होता है? हाँ, क्यों? पक्का डीएनए पता है ना आपको? हाँ आगे बोलिए। अरे वो जो गोल गोल सीढ़ियों जैसा दिखता है, पता है ना आपको? हाँ उसका क्या? अरे वो जो सीढ़ियां जैसी होती है ना, वो ना अंदर से मेरी टूट सी गई है, वो ना जुड़ नहीं रही। आप समझ रहे हैं ना? तुमसे सीधा सीधा नहीं बोला जाता कि तुमको कमजोरी हो रही है या मसल ब्रेक हो गया? हाँ, वही वही। अच्छा ये बताओ, खाया पिया क्या था? मैंने ना पिछले एक हफ्ते से उपवास रखा था, तो उपवास? जी पिछले एक हफ्ते से? जी किस खुशी में रखा मन्नत मांगी थी। मन्नत? किस बात की मन्नत? ताकि आपकी रिसेप्शनिस्ट से मेरी शादी हो जाए। ऐसा करो, फिर 10 दिन और रख लो, फिर जब कंधे पे जाओगे ना, उसके अगले दिन ना खीर बनवा लेना खाने में। जी डॉक्टर साहब, जी शुक्रिया। और हाँ, खीर में याद से ना किशमिश डलवा लेना, मुझे बहुत पसंद है किशमिश। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अरे कोई बात नहीं। तो डॉक्टर साहब, मैं कल आऊं? किस बात के लिए? रिश्ते के लिए? अरे हाँ, वो तो सोचा ही नहीं। ऐसा करो, तुम पहले ये व्रत वाला करो, उसके बाद सोचते हैं, है ना? थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। जी।